आइडियल गैस, गैस इज कंसीडर्ड, आप लोगों का थोड़ा रिवाइज हो जाएगा ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक है ना, फिर किसी को समझ नहीं आएगा। यहाँ से करते हैं, ए गैस इज कंसीडर्ड टू बी एन आइडियल गैस इफ द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, इफ द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल एंड द कंडीशंस फॉर द आइडियल गैस आर हाई टेम्परेचर कॉमा लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से गेट पॉइंट ऑफ व्यू से है सब, या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया कोई? जेई पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक, हाँ जेई के लिए, जिसका टारगेट गेट और ये किस किस का है यहाँ पे अभी? अरे यार खुल के बोलने का टेंशन नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि क्लियर हो जाए मेरे को भी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर जेई के लिए अलग बताना पड़ता है थोड़ा, कि ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, ठीक है। इसलिए गेट के लिए कौन कौन है, गेट और यूपीएससी के लिए आप चारों, और जेई के लिए आप, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बैती गंगा में हाथ धो लेंगे, है ना, गेट वाले जेई भी कर लेंगे, जेई वाले गेट भी कर लेंगे, ठीक है। देयर इज नथिंग डिफरेंस, लिटिल डिफरेंस इज देयर, वो क्वेश्चंस में थोड़ा पैटर्न का फर्क होता है, लेवल का, रेस्ट इज द सेम एवरीथिंग, ठीक है। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज आइडियल गैस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आइडियल गैस क्या होती है, जिसमें क्या हो, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब हो ही ना, हो ही ना, ठीक है। और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं पता है आपको, सुना है कुछ? कोहेजन और एडेशन, है ना, कोहेजन और एडेशन सुना हुआ है हमने। तो कोहेजन क्या है समझ लीजिए, ये आपके एक लेयर है, यहाँ पे क्या रखा है, पानी पानी पानी, दिस इज ऑल वाटर। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, जब अट्रैक्शन होगा बिटवीन द सेम पार्टिकल्स उसको क्या बोलते हैं, कोहेजन। जब अट्रैक्शन होगा बिटवीन द सेम पार्टिकल्स उसको क्या बोलते हैं, कोहेजन। जब अट्रैक्शन होगा बिटवीन द अपोजिट पार्टिकल्स उसको क्या बोलते हैं, एडहेशन। नहीं नहीं साथ साथ मत लिखो, आई विल गिव यू टाइम, ठीक है ना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। जब अट्रैक्शन होगा अपोजिट पार्टिकल्स के साथ उसको क्या बोलेंगे, एडहेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो प्रॉपर्टी है ही कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगे ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी अगर फ्लूड है, गैस है, कि उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल हो जाए, क्योंकि कोहेशन और एडेशन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है एक आइडियल गैस वो है जिसमें ये नेग्लिजिबल हो जाए, कोहेशन और एडेशन क्या हो जाए, नेग्लिजिबल। तो ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, क्योंकि कोहेशन एडेशन रहेगा ही, इसलिए कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं हो सकती, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भैया कोहेजन और एडेशन तो रहेगा ही, लेकिन क्या है, हम कंसीडर करते हैं आइडियल गैस, क्यों? कि हम देखना चाहते हैं कि बेस्ट प्रॉपर्टीज कैसे मिल सकती हैं गैस में, बेस्ट प्रॉपर्टीज कैसे मिल सकती हैं गैस में, ठीक है। हम हर जगह आइडियल कंडीशंस क्यों लेते हैं, कि हमें एक स्टैंडर्ड मिल जाए, अरे भैया ये स्टैंडर्ड है, मेरे को इसको अप्रोच करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आइडियल गैस की कंडीशंस क्या है, हाई टेम्परेचर, लो लो प्रेशर और लो डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, हमने हाई लिखवा है, जनरली होता है वेरी हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल समझ लीजिए, ये कंटेनर है, इसको आप हीट कर रहे हैं, इसमें वाटर है, टेक लिटिल बिग,
तो जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स टकराएंगे हीटिंग मॉलिक्यूलर मोमेंटम से, तो क्या होगा, जो कोहेजन है, कोहेजन अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, अब ये टकराएंगे तो दूर दूर भागेंगे, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अरे समझ आ रहा है, आ रहा है ना समझ में, ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मींस ये गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, और समझ लीजिए बहुत लो प्रेशर है, बहुत लो। अब बहुत लो प्रेशर का क्या मतलब है बताओ भाई, कल क्या बताया था, लो प्रेशर में क्या होगा, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अभी समझ लीजिए दो बार हैं यहाँ पे आपके ये गैस रखी हुई है, तो मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, ठीक है, अब ये कंटेनर इतना बड़ा है, अब ये मॉलिक्यूल्स इतने ही है, इतने ही क्वांटिटी गैस का कैसे रहेगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे लेकिन मॉलिक्यूल्स ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे, तो मतलब अट्रैक्शन था, क्योंकि भैया पास पास होंगे तो अट्रैक्शन होगा ना, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत कम प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत लो है प्रेशर और बहुत दूर दूर हो रहे हैं, तो ये कोहेजन एडेशन कम होगा, तो इसलिए लो प्रेशर पे क्या होता है, इट जो लो प्रेशर है वो गैस किसको अप्रोच करेगी, आइडियल गैस को, ठीक है। अब ऐसे ही लो डेंसिटी, डेंसिटी बताइए मुझे क्या होता है, मास अपॉन, ठीक है, मतलब कि अगर वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, कम है, छोटा थोड़ा सा है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत, अब वॉल्यूम और ज्यादा कर देते हैं, खत्म हो जाएगा ना, कोहेजन और एडेशन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, कोहेजन और एडेशन क्या हो जाएगा, बहुत कम, तो इसलिए कहते हैं एक गैस कैन अप्रोच एन आइडियल गैस कंडीशंस अंडर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, ठीक है। लो डेंसिटी कैसे, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, श्योर है ना, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आईएएस का क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, ये आया हुआ है 2013 में या 12 में, कि आइडियल गैस की कंडीशंस क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू कैन नोट इट, नोट तो कर लिया आपने ना, ठीक है। हाँ अब इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस की, PV इज इक्वल टू एनआरटी एन, अच्छा चलिए वेरी गुड, एक तो ये होती है PV इज इक्वल टू एमआरटी, या एक क्या होती है दूसरी PV इज इक्वल टू एनआरटी, अरे ये भी आर और ये आर में कुछ फर्क होता है, वेरी गुड, ये कौन सा होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको आर यू भी बोल देते हैं और आर बार भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन है आइडियल गैस की, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी एंड पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। पी क्या है, प्रेशर, जहां मैं थर्मोडायनेमिक्स में पी लिख रहा हूं मतलब, वी लिख रहा हूं मतलब, वॉल्यूम टी लिख रहा हूं मतलब, ठीक है, तो P क्या है यहाँ पे प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, M क्या है मास, मास ऑफ द सब्सटेंस, R क्या है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर, ठीक है, नोट इट डाउन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके एसएससी जेई का क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस इज, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, ये इसमें आपसे क्या पूछेगा, कंफ्यूजन क्या है, जब एनआरटी देगा और एमआरटी देगा है ना, तो आर का ध्यान रखना है कि कौन सा आर है, ये कौन सा आर है कैरेक्टरिस्टिक, अब लिख लीजिए दिस इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और ये कौन सा आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है।
ये कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिएगा, दो मिनट देख लीजिए पहले, रुकिए सर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मास या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब और एन क्या है, ये एन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, ये क्या है मास ऑफ सब्सटेंस और ये दोबारा से मॉलिक्यूलर वेट, मेक इट मास। अब स्टूडेंट्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड। क्या होती है इसकी वैल्यू, 8.314 यूनिट्स। ओए कल जिन्होंने क्लास ली थी, ठीक है, 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन मोल, ठीक है। आपकी ये यूनिट आई हुई है एसएससी जेई में और ये इसमें भी आई हुई है, ठीक है। अब आर की वैल्यू एयर के लिए, आर की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, समझ तो आ गया। देखिए इस आर को आर यू भी लिखा जा सकता है और आर बार भी लिखा हुआ है किस बुक्स में, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। आर की वैल्यू एयर के लिए 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, नोटेड डाउन। जब मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स तब आप पढ़िए, लिखने के लिए मैं अलग से टाइम दूंगा आपको। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है आइडियल गैस की, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी या एन आर टी। आर की वैल्यू एयर के लिए क्या है, आर कैसे निकलेगा, सीपी माइनस सीवी से। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। एयर के लिए इनकी वैल्यूज क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपरों में, 0.1005 किलो जूल पर केजी केल्विन, और इसकी ठीक है एसएससी जेई के क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, सारे आए हैं एसएससी जेई में। गेट में आपकी ये वैल्यू आई हुई है और ईएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।